राजसो यज्ञ हुआ, राजसो यज्ञ में अब चर्चा हो गई कि सबसे पहले पूजा किसकी करी जाए। तो सबने आवाज उठाई थी, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो। सब राजाओं के मध्य में एक राजा और बैठा था जिसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल ने कहा हाँ इसकी पूजा, मेरे घरवाले को लेके भाग गया था ये तो, इसकी पूजा करेंगे सबसे पहले। नहीं नहीं इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। शिशुपाल ने 101 गालियां दी भगवान को। भगवान ने बोला कुछ नहीं, क्योंकि शिशुपाल की माँ ने भगवान कृष्ण की बुआ ने ये कह दिया था कि जब तक 101 गाली न दे तब तक इसका वध मत करना। आज 108 गाली पूरी हो गई। भगवान की सुदर्शन शुक्र ने आकर के उसका वध कर दिया और शिशुपाल का वध होने के बाद में राजस्व यज्ञ प्रारंभ हुआ। सबको अलग 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 स्थान दिए गए। कर्ण को और भीम को भोजन कराने की ड्यूटी लगाई गई। देखो ये भी एक यज्ञ है, इसी यज्ञ में भी सबका भाग अलग अलग है। कौन प्रसाद बांट रहा है, कौन देखरेख कर रहा है, कौन साफ सुथराई कर रहा है, कौन अलग अलग अपने काम कर रहे हैं। एक यज्ञ का एक भाग है, इस सबकी सेवा में होता है। तो भगवान ने सबके भाग अलग अलग बना दिए। भगवान ने कहा प्रभु ये यज्ञ है और यज्ञ में अतिथि आगंतुकों को बड़े प्रेम से बुला करके, भाव से श्रद्धा से बुला करके उनको आसन ग्रहण कराइए, कोई बुरा न माने। यज्ञ में सबका स्वागत है, यज्ञ में सबका प्रवेश होना चाहिए। प्रवेश के लिए सबने आग्रह किया प्रभु बताओ क्या क्या सेवा है। भगवान ने सबको सेवा सौंप दी तो पांडवों ने कहा प्रभु आप क्या सेवा लेंगे। बोले मैंने सोचा हुआ है, मैंने अपनी सेवा ले ली पहले। बोले क्या, मैं द्वार पर खड़ा रहूंगा और इस यज्ञ में जो जो अतिथि आएंगे, राजा आएंगे, महाराजा आएंगे, महानुभाव आएंगे, मैं उन सबके पहले चरणों का प्रक्षालन करूंगा द्वार पर बैठ करके, और चरण प्रक्षालन करके अपने पीताम्बर से धो करके और उनको उस आदर के साथ बिठा करके अपने सिंहासन पर पुनः आ जाऊंगा, उनके चप्पल जूतों की निगरानी करूंगा। जो जो अतिथि आए उनके उपानहा, उपाने माने चरण पादुका, चरण पादुका को अपने पटके से झाड़ झाड़ करके और एक तरफ लगाते रहे। अतिथियों का सम्मान करना कोई अगर सीखे तो वो कृष्ण से सीखिए, कैसे होना चाहिए। जो अपने मान की कतई परवाह नहीं करते, जिन्हें अपने भक्तों की और दूसरों के मान की परवाह होती है। भीष्म पितामह के पास में जब पांडवों को द्रौपदी को लेकर के गए, पितामह से कहा प्रभु आपके पौत्र आए हैं ये महाराज, इनको आप उपदेश करिए अपने जीवन का, ये प्रणाम कर रहे हैं आपको। उस समय भीष्म पितामह ने कहा था कि अगर कोई अतिथि का सत्कार सीखे और मान बढ़ाना कोई सीखे तो हे गोविंद वो आपसे सीखे, कि आप सबको मान देने वाले हैं। मान देने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं हो सकता, मान देने वाला व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है, श्रेष्ठ की श्रेणी में आता है। अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। जब कौरव और पांडवों का जो चल रहा था तो भीष्म पितामह ने कहा था प्रभु आप किसकी तरफ रहेंगे। भगवान ने कहा मैं निष्पक्ष हूं, मैं किसी के तरफ नहीं हूं, न मैं शस्त्र उठाऊंगा न मैं किसी का पक्ष लूंगा। पितामह ने कहा मैं यही दे देखूंगा। जब अर्जुन पर भीष्म पितामह बाण बरसाने लगे, इतने बाण बरसाए भगवान को लगा मेरा भक्त मारा जाएगा,
तुरंत घोड़ों के लगाम को त्याग दिया, पृथ्वी पर गिर उछल करके नीचे आए। पृथ्वी कंपित हो गई, घबरा गई कि अब क्या होने वाला है। भगवान ने रथ का पहिया उठाया और शेर की भांति भीष्म पितामह पर प्रहार किया। भीष्म पितामह ने बाण छोड़ दिए, धनुष छोड़ दिया और कहा, प्रभु मैं यही तो चाहता था कि अपने भक्तों के लिए आप क्या नहीं कर सकते हैं। आपकी प्रतिज्ञा थी कि मैं धनुष नहीं उठाऊंगा युद्ध में, बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब आपने, आपका भक्त परेशान हो, आपका भक्त मारा जा रहा हो, कोई अपमान कर रहा हो, तो भला आप कैसे देख सकते हैं। इसलिए वो दया निधान है। यज्ञ प्रारंभ हुआ, भगवान कृष्ण की पूजा हुई और सा आनंद यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ में सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए।